वेलीकुम प्यारा साथीओ मां आहियां संध्या सुमरो ऐं प्रोग्राम आहे तव्हांजो पंहिंजो पाकिस्तान टाइम जीअं त नाज़रीन तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान टाइम में असां चारई सूबनि खां पंज चारई साथियारियूं मेज़बान गॾु अची करे पंहिंजे सूबे जी, जी बोली पंहिंजे सूबे जी प्यार जी उबकार खणी तव्हांजे साम्हूं सिधी रीति इहो प्रोग्राम खणी ईंदा आहियूं हिन में तव्हां सां कचहरियूं थींदियूं आहिनि ॻाल्हि ॿोल थींदी आहिनि थींदी आहे सुठा मेज़बान महिमान असां सां गॾु हूंदा आहिनि उन सां सुठी कचहरी थींदी आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह रमज़ान ख़ैरु सां अॼु तेरहो रमज़ान मुबारक आहे आए। ऐं असां रमज़ान जे ॿिए ॾहाके में दाख़िलु थी चुका आहियूं ॿियो ॾहाको जीअं त सभु चवंदा आहिनि त बख़्शीश जो हूंदो आहे त जेतिरो थी सघे हिन अशरे में हिन ॾहाके में असां पंहिंजी बख़्शिश जा सामान गॾु कयूं

हिन रमज़ान जे हलंदे हिन मुबारक महीने जे हलंदे उन्हनि खां जो कोई सदेबाप करे वठूं उन्हनि खां माफ़ी घुरे वठूं ऐं ॿियो त पंहिंजे जो वधि खां वधि ख़्यालु कयूं अलाए अॻिते असांखे अहिड़ो मिले न मिले जेतिरो थी सघे माउ पीउ ख़िदमत कयूं उन्हनि जो ख़्यालु कयूं टाइम ॾियूं उन्हनि सां कचहरियूं कयूं कोशिशि नाज़रीन त ज़िंदगी में काश लफ़्ज़ खे कॾहिं न अचणु ॾियो छाकाणि त जॾहिं टाइम गुज़री वेंदो आहे त असां वटि काश जो जेको लफ़्ज़ु हूंदो आहे असां बसि पाण में वेही करे इहो चवंदा आहियूं की काश असां ईअं करे वठूं आ काश असां उन्हनि खे परचाए वठूं आ काश असां उन्हनि सां वधीक टाइम गुज़ारे सघूं हां त हिन काश लफ़्ज़ खे पंहिंजी ज़िंदगीअ मां कढी ॿाहिरि उछलाए छॾियो ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में असांजे चारई जूं

धीरे खैर शरब तेरी जी लगे आवी और माशाल्लाह चाह मुझ दो हम वरसे दू और नम नन लस्तमा रोजा दा और मुझ वाड़ू तो पता दे ची है जो दुहमा अशरदा है दी मकफरत अशरदा और दूने कम कई वो वह दुआ दा अस्ताफुल्लाहा रब्बी में कुल्ली जम्बी वा अतूब वो تونې کمکې دوا د چی تاسو کولم ټایم ها زړه غواړي هغه ټایم دی تاسو ویلې سي آرام سره د فینګر ټیپس باندې ها کاؤنټ کولو ضرورت نهسته چونه زیات ویلې سي ہے دوا تاسو ویلې چې مشتدي چونه موقع رمنده سوي ده نه لږ ورجوکي هغه نه زیات دی مش الله الله تعالی چا خپل جان لپاره مغفرت یو سبب جوړ کو اسباب جوړ کو کونکي مشتنه څه پته چې بل کال وا مشتا ہے موقع من دیجی یا نبه من دیجی او اوسه چناچا گرمی هر روانه ده لیکن دی آی ثینک دی رمضان اصل مزه خود غیدا چی سخت یقین کی سخت گرمی کې چې روزه چې دلته کیږي کنه هغه اصلی مزه یو راجیوسی چی هغه دونې سخت تنده کې هموږه الادی پاره هر شي چې دردلی او غوسه چې ها خړک چا چېغه غلط کار ځا خود غا اصل کې دی روزه مطلب دی فټ خبرې کوم ماشمع مصطفی ما ماشالله ما ما مخدبه ډېره وی او نور به مو تاسو سره خبرې ونه کو لیکن اگر تاسو چې ریکويري دا یا تاسو چې رمضان په حوالے چې وین غړې خپل خپلوانو ته چې ویشز ورکون غړې رمضان په حوالے کو تاسو مشتاقاله کوله سه هغه باندې راشه ولې سه لیکن مش پروګرام کې جو کم ګیس دی هغه سره خبر کولای سي او کم جو مشبا ان شاء الله ډېر کولی نات او کلام په عربو لګایو هغه باندې تاسو اگر چې ریکوست کوون خو ضرور مستقبل رسې اوس واخ سوي دي صوبه بلوچستان خو ټورډز صوبه بلوچستان بیا به باقاعده خبر کوم واش پاتې خديجه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګلچارو کامل سیم بلوچ ور ورشاد کنيوتی پروگرام پاکستان ټایم انچکه شما سرپدی کیما ای پروگرام دو ګنټه مې لايف چلی ای لايفه غو شما غوا سارې بوت کني हँच के शुमा के रमज़ान वती नूरे साहत तानी ता गुमा रवा दवाएँ उस मर्ची सेज़ तुमे रोचे गे रोचे बाबत ये अंचे माँ है कि एव वक्ता शुमावती जाना दम बराने को इबादत ता गो शरकारा गोसदा खैरा तुम जान दुराए भी शुमा जान दर्द रो भले शुम आमाल चिक्का है भी और शुमा कुजाम نہج شما سره بيکي شما يکنيکي او شما بلايي نه ما ديم ربي راوي تمن غوشي کي اي ما هرشي شما کورته کني شما پکني انچو کي موسم موتدل بوغاين ديم په گرمي راغاين مې انچکا رچک سخت بوانا او اي واشينګپيکي الله تعالی راها ما اي سختیاں برداشت کړي ان شاء الله شي اجر بازبي اجرې گپ به ګڑا अमे गप्पे के यक रोचक वाला है रा, दो वशी रसी यक वशी आ, आ टाइम आटाइम आफ्ताार कम और दो में आ के, के रोज़े क्यामत आल्लाए दीदार कम छोने वशें गप्पे यक रोचक है, है अमरा इक्का नेकी रसी और दीदार आभी खुदए तलाय आशीचे छतरे गप ने और शीचे मज़न कामयाबी गप ने तो वो ती ता हम के शुमा कोशिश कुर्त शुमा कोशिश कने कि शुमा शर्रिकार पे कने शुमा बलाईए शुमा नेकिए नेम का बुराई मनी दुआएं पर शुमा मनाऊ ती दुआएं अल्लम शामिल पे कने पर चा के ए दुआएं नी माएँ ये बख्शिश है ये निजात है ये रहमत आ नी ये वशे नेमत आनी माँ है अचुक हम्मा उ सेजदुमी रोचेगे ता आया और यागिश अम्मा बिंदात करता अम्मा ए के ये लोटा कि माओ पी टी वी टीम खैरता शामिल खैर त शामिल भी गो अम्मा गुशमा साड़ी तो बो नेक हवाले अच यक शर्रिंग गप्पे हमेशें के अम्मा अल्लाह ताला इबादत करना ओ आई हबीब हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम अम्मा अ ਅਮਰਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤ ਕਨਾ ਮਨੇ ਖੈਲਗੁਸ਼ੀ ਕਮ ਗੋ ਨਾਤੇ ਨਾਤੇ ਪਾ ਮਮਾਏ ਦਾ ਮਦੀਹਾ ਸਰਾਜ ਕੋ ਮਨਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਗਸ਼ੰਕ ਕੇ ਅਮਰਾ ਨਾਤੇ ਪਿ ਸਮਝ ਬਹੁਸ਼ੀ ਆਈ ਗੁੰਦਰੂਤ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਨੇ ਇੱਕ ਨਾਤੇ ਗੋਸ਼ਦਾਰਾ ਮਦੀਹਾ ਚ ਜੀ ਮਦੀਹਾ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਕੈਸੀ ਹੈਂ मदी हम हाँ आपसे एक नाच सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो इसका आगाज़ हम एक बाबरकत तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ शुक्रिया वालेकुम नाजरीन मोहम्मद में फना जब हो गए बाकी मोहम्मद है जहाँ में जिस जगह देखो वहाँ साखी मोहम्मद है साकी मोहम्मद सल्लु सेल्लुअ सल्लुवले हे वालिहि बलह ही कशफ दो दोजा बेजमाले ही हसन जमीयों ही Sallu ale he wale hi Dhare nabi par कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खुदा भी होगा उधर भी है दिल जेधर भी होगा उधर भी है दिल जिधर वो आली मकाम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी तक दिल ना दिल का मतलब नशा में असलम मेरे प्यारे तो सोने अजीज़ हमत तो और सोहे रबल नाल एक बार फिर तारी खिदमत हाज़िर हाँ यो उम्मीद के ना कि सारे खैर आफियत न होवोगे ठीक ठाक तो खुशबाश होवे ना ही रमज़ान मुबारक का दूसरा अशा अशरा भी बड़ा वदिया तरीके बहुत खूबसूरत तरीके गुज़रिया होगा ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਖੇਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਇਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਯਕ ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਖੇਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨਾਲਸੀ ਆਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ आर्ट के बड़ा एक गहरा तालुक है ये नाजरीन तुम्हें अपना मौजूद दसती जाती है अच्छ अलबात करा आर्ट के हवाले न कैलीग्राफी आर्ट के हवाले न और ही हवाले सीने अपने स्टूडियो दावत दी है एक बड़े ही पाकिस्तान के मारूफ कैलीग्राफी आर्टिस्ट ने उन्होंने गुफ्तगु करा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस तेल तो असं जावे असी प्यारी सोहनी सी को जिमल को कहेंगे ने और फिर आवेंगे और अपने मेहमान को सवालत पूछा ओवर टू जिमल जी आ, नाजरीन जैसे कि नायाब ने बताया कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक बहुत ही आ, प्यारी शख्स प्यारे शख्सियत है हमारे पास कैलीग्राफ़ी जो आर्ट है मैं समझती हूँ कि खुदा तला अपना कलम उनके हाथ में क्योंकि अपने नाम आ, को या आयतों को लिखने की तौफीक हर किसी की नहीं होती ये बहुत आ, आ, अज़ीम रुतबे वाली बात है ये बहुत ही नसीब वाली बात है क्योंकि हमारी जो पहली वही ही नाजिल हुई उसमें भी कलम का जिक्र था और हमारे एक सूरत आई कलम के सूर क़लम तो और एक जगह मैं पढ़ रही थी कि हज़रत अली भी इस फन खताती पे अबूर हासिल था उनको तो इस हवाले से आ, मैं समझती हूँ ये बड़े नसीब की बात होगी ये बड़े आ, आ, एजाज़ वाली बात होगी कि जिनको अल्लाह ताला ये वसफ़ अपना देते हैं कि वो उनके नाम की मदहसराई और नुमाइश करें दुनिया में तो अल्लाह ताला ने जैसे कहा कि दुनिया के समंदर ले लें उसको स्याही बना लें उन और कलम ले लें दरख्त काट के मेरी तारीफ में वो कम होंगी तो ये जो कोशिश है मेरे ख़्याल में ये उसी आ, आयत के ज़ुमरे में आती है मैं इसको बहुत ही आ, आला दर्जे पर देखती हूँ इस काम को बहुत ही आ, मुझे इंस्पायर करती है ये चीज़ तो इसी हवाले से हमने अपने स्टूडियो में एक आ, नामवर शख्सियत हैं वासिल शाहिद कैलीग्राफ़र हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े तीन से उन्होंने अपने इस फन का आगाज़ किया मैं उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करती हूँ अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक सर जैसे कि मैं आ, 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 आपके बारे में पढ़ रही थी कि आप माशाल्लाह से एवार्ड और आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाके आपने अपना ये आ, सर्व किया और आ, तो आप अपनी जर्नी के बारे में और अपने शौक़ के बारे में बताएंगे हमें कि कैसे आप इस तरफ आ, आपकी सोच आई कि आपने ये करना है ये शौक़ कैसे आता है बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो मैं पी नेशनल के इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत खुशी हुई है कि जहाँ पर चारों सूबे एक साथ बैठे हुए और मुख्त ज़ुबानों के हवाले से बात भी हो रही है और अपनी अपनी ज़ुबान में जो वहाँ हमारी मुकामी ज़ुबानें हैं सूबाई ज़बानें हैं उसमें प्रोग्राम हो है बड़ी खुशी की बात है मुझे बड़ा अच्छा लगा तो असल में मुझे ज़ाती तौर पर हदाती का शौक़ तो मुझे ये लगता कि तब से जब से मैंने शादू संभाला है क्योंकि स्कूल जाने का सब यही था कि वहाँ जा के कदम के साथ खताती करनी है अदरवाइज़ स्कूल जाना बहुत अच्छा नहीं लगता था तो बहुत बढ़ते गए आगे और काम करते गए और जैसे जैसे आगे अपनी तालीम में गए तो ये शौक़ मज़ीद पुख्ता होता चला गया और मैं जो स्कूल के टीचर मैं हमेशा हर प्रोग्राम में हर जगह पे उनको हमेशा सजाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हवाई मुकाबला जात करवाना शुरू कर दिए तो स्कूल की जिंदगी थी मुकाबला जात थे वो हर हफ्ते के बाद उस वक्त पाँच दस रुपए इनामत में करते थे तो बड़ी खुशी होती थी तो वो जज्बा आगे बढ़ता था ज्यादा तो फिर मेरी पहली जो नुमाइश है दो हज़ार सात में अभी जब मैंने ग्रेजुएशन की थी उसी वक्त मैंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में नुमाइश की लेकिन मेरी जो तलीम है वो मैस कम्युनिकेशन में है मैं उसमें गोल्ड माड जी जी बिल्कुल ऐसे ही मैं गोल्ड मेडल नमल से एम एस सी में तो अच्छा। लेकिन चूंकि वो भी कम्युनिकेशन है कि हमारे पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस कैसी हैं ये भी कम्युनिकेशन है कि हमारी स्पिरिचुअल कंडीशंस कैसी बिल्कु, पाकिस्तान की, कैसी है, है, की है, है। कैसी है यहाँ पे कल्चर कैसा है यहाँ के लोग कैसे हैं उनकी सोच कैसी है तो उस चीज़ की जो कम्युनिकेशन मैं समझता तो हूँ ये आर्ट है, है। तो मैंने अपनी वो जो मैस्कम थी और जो मेरा पैशन था दोनों को मिक्स करके इसकी कम्युनिकेशन के तौर पर इसको लिया है और इसको लेकर चल रहा हूँ और हम कौमी पे भी, तो इसकी कोशिश की नुमाशी भी करवाएला जात भी आगे इस की कोशिश की गई माशा जबरदस्त अच्छा, दा। माशारा। अच्छा माशारा। सबसे मजे की चीज़ जो इस पूरे आपकी जर्नी तो खैर बहुत लंबी होती है जितना साहब ने बताने की कोशिश की है 2003 में आपने इसको बकायदा शुरू किया और 2007 में आप एग्जीबिशन कर चुके थे तो आई थिंक सर ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है इतनी जल्दी एग्जीबिशन करने के लिए तो मतलब आपके दिन रात इसी में मसरूफ़ रहे थे या ये वो शौक इतना ज़्यादा था कि इतनी जल्दी वो इस लेवल तक आ गया कि आप उसको एग्जीबिशन तक ला सके या नहीं सपोर्ट और उन सब की मदद के तहत जो है आप इतना आगे आ गए नहीं आसान नहीं था मैं उन दिनों में व्यवहार में मुक़ीम था व्यवहार में था तो बहुत मुश्किल था उस वक्त पहली नुमाइश करना और मुझे याद है कि वो बाबा बलगे शाह अहमदुल्लह तो की पोइट्री पढ़ने का शौक था तो वो पंजाबी की शायरी वो पढ़ते थे इधर का एक यार तो इस तरह के जब शायरी पढ़ते थे तो वो समझ नहीं आता था, था कि ये बल्गे शाह एक इक पर क्यों फोकस करते हैं और वहाँ पर इलम की क्यों नफी कर रहे हैं कि बस्कर बस कर दे तो उस वक्त जब समझने की कोशिश करते तो मैं कोशिश ये थी कि ये जो बाबा बलगे शाह कह रहे हैं हरूफ की बात करते हैं इलम के बजाय किसी और और चीज की बात करें वो किस चीज की बात करें उसको अपने काम में लेकर आने की कोशिश करो तो, तो वो बुनियादी तौर पर बुरे शाह अहमद की, की शायरी को समझते समझते मैंने उसको कैनवस पर लेकर आना शुरू कर दिया हुँ। 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 तो वो कैनवस अच्छा। पर राते, राते, राते वो लाते लाते बात हो रही है अगर शायरी की और बाबा बुल्ले शाह की आपने बात कही तो इट मीन्स की आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है तो ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੋ। ਉਹ کافی ਉਨਕੀ ਹੈ ਕਸੂਰ ਸੇ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਫੜ ਆਗਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫੱਜ-ਫੱਜ ਬਣਨੇ ਮੰਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਨ ਨਰਗੜਨੇ ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਗੇ ਸ਼ਾਤੂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਡਨੀ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਦਾ सो so, बात करे थे बुलगे शाह की पोइट्री के हवाले से हुँ, उनके हुँ, हुँ, तो वो मुझे उस वक्त देखिए आज टेक्नोलॉजी जितनी आ गई कंप्यूटर जितना आ गया डेटा इंफॉर्मेशन हर इंसान के पास सक्सेस में है दुनिया का को कोई भी चीज़ चाहिए हो आप आपके फिंगटिप से आप अंदाजा कीजिए कि किस वक्त आज से तकरीबन तीन सौ साल खबर बुलगेश है कि इमो या इम्ो बस्करो अफरकार अब अफ क्या है वो इलम की इब्तदा है अल्लाह जिसने कायनत तख्ली की उसका पहला हर्फ अफ है और अफ की अगर हम इस एतबार से बात कीजिए इसकी जो ज्योमेट्री जो है जोग्राफी के परस्पेक्ट में यकीन जानिए वही ज्योमेट्री जिस ज्योमेट्री में पूरी कायनात तख्लीफ हुई है आप बुल्विशाह उस दौर में ये बात कर रहे हैं और वो बात ईवम चूंकि उसका मरकज या उसका ताल्लुक इंसानी अकल और दमाग के साथ होता है लेकिन जो सूफ़ी शायर होता है वो अक़ल से मावरा कलब और रूह की बात करता है और वो कलब जो होते हैं ना वो एवम की बजाय ताल्लुक मांगते हैं मोहब्बत मांगते हैं कलब मांगते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है ई काफ़ी है ज़रूरत इसके नहीं है बल्कि तार्लुक की है जिसने ई का हुक्म दिया वो ख़ुद कैसा है मुझे उससे मिलना है मुझे उससे ताल्लुक क़ायम करना है तो उसकी बात करूँ बस करो यार इक्को अरफ तेरे दरकार वो जो अरफ है जो अगर दिखा देता है उससे ताल्लुक बना देता है तो मैं समझता हूँ तो इसी तरह जो आर्टिस्ट होता है फनकार होता है वो भी अपने एहसास और जज्बे को कहीं ना कहीं ऐसे एक्सप्लोर करता है मेयर जो सफ़र है वो उसी को एक्सप्लोर करते करते ख़ाती की तरफ गया इरा के नामों की तरफ़ गया इसको समझने की कोशिश की और इस एतबार से वो जो आपने बात की कि तीन चार साल में नुमाइश हुई उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जदार है वो बुले शाह की शाही का है मेरे फ़न के साथ साथ और मुझे अच्छे से याद है कि मैं रात को बासौ से चलता था दो बजे तीन बजे और बुलगे शाह के बाज़ार पर वहाँ जाते थे दुआ करके वापस आते थे फिर काम करना शुरू कर दिया कलाम आपने लिए और उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू किया उस तालुक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कर समझते रहेंगे क्योंकि ये आई थिंक ये चीजें इतनी जल्दी कोई समझ सकता भी नहीं है बहुत टाइम लगता है जैसे कि आप जी जी आ, क्योंकि जिसको समझना है वो जात राम महदूद है हाँ। तो जब वो जात राम महदूद है तो उसकी समझ कैसे महदूद हो सकती है हमें कई जिंदगी हो तो नहीं समझ सकते अकल के बस की बात नहीं है तो समझ से ज्यादा उसका ताल्लुक नसीब हो जाए ऐसे ही जैसे बेटा अपनी मां को नहीं समझ सकता मुमकिन ही नहीं हो सकता एक छोटी साल है मां जैसा खूबसूरत भी बेटे को कहीं से नहीं मिल सकता हुँ। सही तो इसी तरीके से जो खालक कायनात है उसकी समझ की अगर बात करेंगे तो कर बहुत ही महदूद है हमारे तस्वुर से भी ज्यादा महदूद है क्यों वो मखलूक है उसका खालक कैसे उसको समझ सकते उस हैं तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि समझने की बजाय उससे ताल्लुक मजबूत हो और ताल्लुक कलब से होता है अकल से नहीं होता तो ये जो फ़न है ये भी उसी मोहब्बत के साथ करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें अल्लाह के साथ अल्लाह के महबूब के साथ ताल्लुक नसीब करे और उसको मुखिश रखे बगैर किसी गर्ज के वाह जैसे कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ ख़ताती के नमूने हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हैं वासल शाह साहब के तो क्या बात कर दी आपने कि जब तक रूह और दिल का ताल्लुक जुड़ता है तभी ये चीज़ें आप कैनवस परोते हैं तो इसी हवाले से मेरा एक सवाल है कि जब आप ये खत कर रहे होते हैं उस वक्त आप किस सुरूर में होते हैं वो कैसा आलम होता है थोड़ा सा अगर लफ्ज़ों लफ्ज़ों क्या में में बयान बयान है कैफियत क्या होती उस वक्त देखिए करना मुझे पता है बहुत मुश्किल है इस कैफियत को अगर ये कहा जाए कि फूल है उसका सुख रंग है तो समझ आता है अगर ये कहा जाए कि उसकी खुशबू कैसी बयान कीजिए तो मेरे ख्याल सारी कायनात एक तरफ सिर्फ खुशबू जना वो बयान नहीं हो सकती खुशबू बजात ख़ुद बताती हैं कि मैं ऐसी हूँ चाहे हर तरफ अंधेरा हो जाए तो फूल ये कखा जाए तो अपने खुशबू से अपने वजूद का मुकम्मल एहसास हो जाता है कि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ कोई और वजूद है या नहीं है नहीं। किसी को कुछ नजर आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा लेकिन मेरा वजूद है मैं खुशबू हूँ तो मेरे पीछे ये फूल है तो ऐसे ही जो फ़न होता है वहाँ पे एक कैफियत तो बज़ाहिर होती कि हम सुकून से हैं हम अपने जज्बाती सतह पर नफसियाती सतह पर फिक्री सतह पर सुकून से है लेकिन इस सुकून से आके एक और कैफियत होती है वो इसतराब है वो जो इसराब है व रूह का होता है वो तड़पती है और वो इसराब जो होता है कि जिसका नाम लिख रहे हैं और उसी की तोफ़ी से लिख रहे, लिख रहे हैं उसके नाम के हसन का जमाल और जलाल कैसा ज़बरदस्त किस्म का है मैं अपने अल्फाज में ये नहीं डाल सकता मुमकिन नहीं हो सकता लेकिन ले जो जात तू लिखवा रही है तो तौ तौ तौफ़ी दे के ऐसा लिख सको कि तुझे ही पसंद आ जाए तो ये जो कैफियत होती है कोशिश मैंने की कि रफ्सों में यकिन नहीं कही जा सकती ये महदूद कैफियत होती है चूँकि कैफियत भी ऊ की है तो वो को भी समझना मुमकिन नहीं है तो उसकी कैफियत को कैसे समझ सकते हैं क्योंकि वो बजात खुद अलगा का एक राज़ है तो उस रास की फिर की कैफियत उस कैफियत का फिर बयान मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है ये ऐसे खुशबू की तरह समझ लीजिए कि खुशबू है और हर तरफ माहौल के मौतल किए हुए हैं बात भी आपने बहुत में फिर की 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 की। अच्छा, वाले आ, 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 आर्ट के सैंपल्स देख रहे हैं तो इसमें एक बहुत खूबसूरत सी जो पहली कैलीग्राफी में वो दोबारा चाहूंगी की कैरामैन दिखा सके मुझे इसको थोड़ा सा अगर समझा सके की किस वर्ड से इंस्पायर हो रही है किस आयत से किस

और किसी और आप पाया तो अपनी दिख आई मुझे लगता कि है कि ये तर्जु नहीं इसका सही तर्जु यह है कि नबी महतर सदस्यम को वो जो पीछे आए थे वज़ा सौफ़ा यू का रब्बू का फतेह और हम आपको इतना अता कर देंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएँ तो यह कैफियत समझिए कि कौन कह कौन रहा है खाल के कायनात अल्लाह की ज़्यादा कह रही है और क्या कैसे रही हैं नबी महतम सम को अब नब अ कर दी सब कुछ अता कर दिया तो वह ऐसा और क्या अता है कि जिस अल्लाह कह रहा है कि हम आपको इतना अता कर देंगे कि हम आप हमसे okay. राजी हो जाएंगे उसी आय से आगे जो आती जदा का है कि जब हमने आपको मोहब्बत की शिद्दत में पाया तो अपने पास बुलाया क्या ये मेराज की मोहब्बत की, की शिद्दत है किसी और अब वो जो मेराज की आयत को मैंने इस एतबार से देखी कि वाऊ के सामने वाऊ लिखा वावा ज्यादा का दो वाऊ है तो वो जो दो है उनकी आप शक्ल देखे आंख की मानी होती है और दिखा सकता है और में वाऊ का जो अदद होता है छ होता है तो वाव के सामने वाव लिखने का मकसद ये था कि छः और छः अदर सामने हो छियासठ और छियासठ जो आदाद वो इस अल्लाह के आदाद हैं। है। है। अब दरम्यान एक फासला है दोनों के वाऊ के दरमियान कान तो फकाना क़ब कौसैनी और कि जैसे दो कौसैन के दरम्या फासला या उससे भी कम जो मेवाज शरीफ की कैफियत है है वो लग भी रहा है। तो वाऊ के सामने वाऊ वसल की कैफियत है वो मेवाज का जो वसल है और वहाँ पर फिर अता क्या है वो आता है इन्ना आत इना कल कासल और हमने आपको कौसर अता की फिर वो क्या है फसल का वन हाथ अब यहाँ पर देखिए वो अता जो अल्लाह ने की है वो अर्ष मौल्हा पर बुला की है क्योंकि पीछे है वजरा सूफा यूती का बुका फातरजा कि वो अल्लाह ने कहा है कि हम आपको अता करेंगे फिर अता करने के बाद ये आयत है कि बुला लिया गया बुलाने के बाद फिर वो जो 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 सरतौम में है किस रब्दी का वन हा बस कुर्बानी दीजिए अपने रब के लिए और नमाज अदा की और कुर्बानी दीजिए अब ऐसी क्या है जिस पर अल्लाह नमाज का भी कह रहा है और बड़ी कुर्बानी भी मांग रहा है जबकि आप देखें फतह मक्का जब होता कितनी बड़ी अता थी और वहाँ पे कहा फसबी बी हम दी अब का बस तकफे अल्ला ने वहाँ पे अपनी हमद मांगी सना मांगी इस्तफा मांगा लेकिन यहाँ जब अता की तो वो यहाँ पे इस अता पे अल्लाह कहता है कि नमाज वो जो तहज्जुद की नमाज पहले अदा करते अब इस पर कायम रहिए और साथ ही कह वन हर बड़ी कुर्बानी दीजिए अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है वो अता है आगे इन्ना शानी अका हुआ जाता है बेशक आपका दुश्मन ही अब होगा वो आता हजरत सईदा फातिमा सलाम अलैहा अल्लाह ने जो बेटी अता की है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अर्श पे बुलाकर अता की है तो ये जो आपने बात की थी ये वो वगा सौफा यूती का अबू का फतहजा यहाँ से सिलसिला शुरू होता है अर्श पे बुलाया जाता है फिर अल्लाह वो जो जिस पे कह कि मैं ऐसा कुछ अता करूँगा कि आप हमसे राजी हो जाएंगे वो अल्लाह अपने हबीब को बेटी की अता के साथ नबी पाक सुन की है। बेटी के अता से अल्लाह अपनी रजा कहता के कि आप मैंने ये अता किया तो अब आप राजी हो जाएंगी। इतनी बड़ी अता है हजरत फातिमा नबी महतम को तो ये वो उस आयद की कैफियत को मैंने

Uh, जो इंतार है ना अच्छा uh, मेरा ख्याल है वासफ़ साहब हम ब्रेक लेते हैं और जी, उसके जी. बाद हम गुफ्तु का सिलसिला जारी रखते हैं जी जी

हलोता अधिक गाल बोल जो सिलसिलो अगते बधाई था आई बासल शाहब माँ यो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे आपने कैलीग्राफी की बात की तो आजकल के दौर आप देख रहे हैं कि जिस टाइप का है कि बच्चे टोटल मोबाइल के हवाले हैं हम लोग जो भी टाइप करते हैं मोबाइल में मतलब अगर हमें प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं बच्चों को स्कूल की कोई असाइनमेंट्स हैं या कॉलेज की कोई असाइनमेंट्स हैं तो या तो लैपटॉप पे वो काम हो रहा है या मोबाइल पे हम लोग कर रहे हैं मतलब पेन उठाना और पेन से लिखना हम लोग अब देखा जाए तो चाहते ही नहीं है करते ही नहीं है तो इस इस वक्त में जो आजकल का जो दौर है इस टाइम पे बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए और इस तरफ लाया जाए कि वो इस तरह के फ़न में अपने आप को मनवाएँ और इसमें उनकी दिलचस्पी कैसे पैदा करवाई जाए आप क्या समझते हैं इस बारे में देखिए पहले हमें समझना चाहिए कि जो मोबाइल के या लैपटॉप या गैजेट्स हैं आप उनसे करवाते तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है दो चीज़ें हैं एक तो बच्चों के मुसलसल जो आंखें हैं उन पे रोशनी जब आती है तो आंखों के लिए वो चीज़ इतनी फ़ायदा मंद नहीं नुक़सानदेह है और जब वो ऐसे टाइप करते तो जो साइंटिफिक रिसर्च आ चुकी हैं उसके मुताबिक कि आपकी ये जो पोज यहाँ पे ये जो यूज़ होते हैं टाइप करने के ऊपर और किस जगह पे यूज़ हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का जो मटेरियल होता है स्क्रीन होती है या प्लास्टिक मटेरियल तो वो उसके करने से और फिर स्पीड बहुत ज़्यादा है और इतनी स्पीड है ज़्यादा कि वो जब जाते ही इंसानी जो बच्चे का जहन होता, जो होता है जो नमों पा रहा होता है उसके लिए नुक़सानदेह है बाकायदा इस पे आई हैं स्टूडेंट में इस चीज़ पे बाकायदा पाबंदी लगा दी कि ये जो डिजिटल एजुकेशन सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए बच्चों को वापस किताब और क़लम की तरफ ही किया जाए, जाए। इसी तरह सत्रह साल के बाद वो वापस आ चुके हैं स्टूडेंट वाले और अमेरिका की तकरीबन सत्रह रियासतों में बच्चों को वो हैंड राइटिंग कर्जी वो इंग्लिश की सिखाते थे उस पर पाबंदी थी कि नहीं डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए एजुकेशन को भी तो वो दोबारा से वहाँ पर कानूनस आएगी हुई बाकायदा कि नहीं कलम के साथ ही किया जाए उसकी वजह क्या है वजह यह है कि वो जो शिद्दत है जो तेज़ी पन है और वो इतनी बाहर की तेज़ी के हमारे जो जिस समय इसमें इस खून की जो गर्दिश है उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार है उस काम की और वो मुसलसल है तो वो हमारी सोच को बच्चों की और वहाँ पे शिद्दत पैदा कर देती है और वो शिद्दत जो है बेसबरी माशेरे के अंदर अदम बर्दाश्त ऐसे रवैयों को फर देती है जो कि इंसानी ठीक है। है। नहीं है, तो वो हो जाएगी। है, है। देखे ना, हमारी मेमोरी को भी पहले हमें नंबर जैसे याद हुआ करते थे अब हमें किसी का नंबर याद नहीं रहता अपने और एक दो किसी जान पहचान वालों के अलावा हमें मोस्टली लोगों के नंबर याद नहीं होते ही क्योंकि हम टोटल इसी पर डिपेंड करने लगे सिर्फ याददाश्त की बात नहीं है बल्कि वो जो इंसान की सबसे बड़ी

उनमें डिसिप्लिन पैदा होता है एक तरह की इंजीनियरिंग जैसे बाहर होती है ना इनर इंजीनियरिंग होती है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज और ये शेप करते हैं इनडिसिप्लिन होते हैं ज्यादा लॉजिकल आप इंसान हो जाता है ज्यादा मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है और इन सबसे बढ़कर इमेजिनेशन उसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो अगर आप हाथ से करवाते हैं तो उसके नफसियाती सतह पर इतने फायदे हैं लेकिन कैसे शौक़ पैदा किया जाए तो इस पर मैं समझता तो हूँ पॉलिसी की सतह का मसला है सिर्फ बच्चों का मामला नहीं क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं वो जो देखेंगे जनहें जो फराहम किया जाएगा उन्हीं में उनका शौक़ बनेगा तो पॉलिसी जब ये होगी एजुकेशन की या बड़े फैसला साज हैं वरीक़े से पॉलिसी को डिज़ाइन करे कि बच्चों के लिए लाजमी करार दे दिया जाए कि वो हाथ से लिखें और हैंड रॉटिंग एक सब्जेक्ट के तौर पर लेके चलें जिस तरह कोई इस्लामिया का मुताह पाकिस्तान का या साइंस इंग्लिश मैथ है ऐसे ही खताती का एक बाकायदा मजमून होना चाहिए जी और जी जब वो करके ये लेके जाएंगे बच्चों में दिलचस्पी भी पैदा होगी फिर आप कहते हैं कि आपके बच्चे

अगे की सतह से स्टूडेंट्स है जो कर प्लैनस ने की हो अच्छा इसका हाँ। जवाब मुझे पंजाबी में <laughs> देना ही है उर्दू में देना है <laughs> पंजाबी है दे दो तो, कोई मसला अच्छा। नहीं है पंजाबी दे दो कि जी आवाम है वो तेरे ना अच्छे तरीके ठीक है ताकि अगर उर्दू में मेरे ख्याल से बात करूँगा तो चार सूबो की लोग समझ जाएंगे देखिए यकीन इवन जो है ये खुशबू की मानद है कि जितना फिगाव बढ़ते जाएंगे और इसमें कभी कमी वाक़ नहीं होती सो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सिखाऊं तो कोविड का जब वक्त शुरू हुआ था तो काफ़ी लोगों ने रब्ता किया कि नहीं हमने सीखना है और मालिक से तो मेरे पहले एक स्टूडेंट है वो उमर सागर यू एस ए से है कैलिफोर्निया से उनके मदर ने कहा कि लाजमी सीखना और सीखना हर सूरत तो उनको जब सिखाना शुरू किया तो मैं भी टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो गया यस ये तो इसी काम है सो so, उसके बाद फिर कुछ और लोगों ने जो रबता किया था मैंने कहा ठीक है हम जूम पे शुरू करते हैं अब अलहमदिल्ला के ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से शुरू होकर आप अरब कंट्रीज तक कहा मिडल ईस्ट या आप उधर कैनेडा अमेरिका यूके यूरोप इधर सब कुछ अलग का शुक्र बाकायदा वो ग्रुप होते हैं आठ दस लोगों के वे के एक टाइम तय कर लिया जाता है हफ्ते में एक या दो दिन वो सीखते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं और कभी उन स्टूडेंट से मुलाकात नहीं हुई लेकिन उनका काम इतना ज़बरदस्त किस्म का माशा ला कि पिछले साल अटक से एक स्टूडेंट थी तो उन्होंने एक कौमी सतह पे पाकिस्तान का मुकाबला होता है सिंध में ही कराची में वो फिर हार हैं उनके तहत एक मुकाबला था खताती का तो पूरे पाकिस्तान से जो बड़े नामबर इस खताती वो भी उसमें हिस्सा लेते हैं तो गवर्नर सिंह साहब उसके मेहमान खसूसी थे इनामात की रकम उन्होंने दी काम टसोई तो साहब ने तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो तीसरी पोजीशन है वो स्टूडेंट के जिसने ऑनलाइन सीखा हुआ था और सिर्फ एक साल सीखा और पूरे पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन है उसकी जी अलहमदिया जी मैमूना साहब उनका नाम है अटक से तालुक है और जिनके मुकाबले में पोजिशन है वो पूरे पाकिस्तान में गई और मेरी भी हैरत की बात है कि माशा उनका काम सिर्फ उनका नहीं मैं समझता हूँ उनका काम भी बहुत अच्छा है

लेकिन जब का हमें मालूम है आज तक हमने कोई फायदा नहीं उठाया हमने उसमें से जितनी अल्लाह पाक ने है, वो कर, हम अपने इस्तेमाल में नहीं करा सके जिसमे बेतहा खूबियाँ सहित और खजाने छुपे हुए हैं लेकिन हम उनको एक्सप्लोर करने का इरादा ही नहीं रखते हुआ अल्लाह ने हर काम की तो सिफत दी इंसान को ही तो वो चाहे तो हवा में उड़ना ले चाहे वो तो पहाड़ों पे चढ़ना ले चाहे तो वो एक छोटे से छोटे जय पर इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ के उसके कई हिस्सों में वहां पे घुस जाए चाहे की वस्तुओं को फाड़ के तो तो हर, हर इंसान में सलाहियत मौजूद है माहौल या उसका मजाज माहौल या मजाज़ अता करता है फिर इंसान की जो पर्सनैलिटी टाइप होती है जो मुख्त किस्म की शख्सियात होती है उनमें से है कि वो वो स्कैटर्ड है या फोकस्ड है किस तरीके का है तो उसके मुताबिक अगर वो थोड़ा सा अपनी समत का दुरुस्त करके इस्तकामत के साथ सफर करता जाए तो कोई भी काम करना चाहे हो जाता है, है। इस्तकामत इस और सम्मत का दुरुस्त होना और इस्तकामत की बात आप कर रहे हैं तो इस्तकामत का जिक्र तो हमारे कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कहता है कि जो काम कर रहे हो उसको इस्तकामत से करो मतलब उसको मेंटेन करना होता है तो जो आपकी बात है और हम बात भी कुछ देर पहले उसी सोच की ही कर रहे थे तो इसको अगर हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर दोनों बात कहते हैं देखिए वो आपने की तो इस बहुत अच्छी चीज है ये बहुत अच्छी चीज है इंतशार नहीं अच्छा चूँकि इंतशार जो है इसका तल्लु अकल के साथ या जहन के साथ है ये अगर बिखर जाता है ये फोकस नहीं होता इंतशार तो इंसान भटक जाता है तो इंतशार नहीं होना चाहिए इस तराब का ताल्लु रूह के, के साथ है कलब के साथ है और उसके दर्द के साथ है कि मुझे मालूम है कि क्यों मैं इस कैफियत पे हूँ यही कि मुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है और मुझे मालूम है कि ये मेरा मरकज है ये है, मैंने वहां तक जाना है तो उसकी जो मुस्त रखती है इसतराब में रखती है तो इसतराब बहुत अच्छी चीज़ है इसका ताल्लुक मजाज के साथ होता है कैफियत के साथ होता है जो सोच के आपने बात की थी वो इंतशार है उससे बचना चाहिए वो इंतशार अगर है तो इंसान बिखर जाएगा और बिखरना सबसे ज्यादा खौफनाक जो होता है वो नफस्याती और जज्बाती सतह का होता है तो उसको स्टेबल रख के एतराब में रहें इसतराब तो बहुत अच्छी चीज़ ये मुस्तब रखे तो मैं यही समझता हूँ कि इसतराब खूबसूरत है इससे कोई ऐसा नहीं।, नहीं और अगर किसी के पास इंतशार है उसको इसतराब में ये कराने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसतराब ही आपको बेहतर की तरफ

साहब से गुफतगु का सिलसिला जारी रखेंगे जी मैं मद्द बधिया आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें नात सुनाएंगी जी जैसे सर ने कहा कि मैराज का जिक्र किया था तो उससे मुझे बहुत प्यारी एक नात याद आई वही आपके खदमत में पेश करूंगी। जी मुझ समे जेबा नूरे मुझ क बाए मोहम्म आँखों में छुपा लूँ जो नजर आे मोहम आखो में छुपालूं जो नज़र आोह ज़ंजी पल में सुए अर्श गए आए मोहम्मद एक पल में सुए अर्श गए आए मुहम्मद आँखों में छुपालू दामन में छुपा लो मुझे दामन में छुपा लो, दामन में छुपा लो मुझे दामन में छुपा लो, परदाना मेरे बो का खुल जाए मुहम्मद हम ना मेरे बों का खुल जाए मुहम्मद आँखों में लूँ जो नज़र आए मुहम्मद सा बन गया है वासे साहब की ख़ूबसूरत बातों और फिर मदीहा की खूबसूरत आवाज़ में इतनी प्यारी नात सुन के हम एक समा सा बन गया स्टूडियो में तो हम दोबारा फ़न खताती की तरफ आते हैं सर के इसके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं फ़न खताती के तो वो ज़रा हमें जिनकी तो अपनी लिखाई भी बहुत अच्छी नहीं, नहीं।, नहीं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ थोड़ा सा खताती के सफर और कैसे कैसे नाम डेवलप हुए उस, उस पर हम बात हुँ, कर लेते हैं खतती के जो सबसे पहले जिक्र तो वो एक हदीसी पा का मफहूम है कि हम अविन मख़लूक में से कदम हैं और पहली वही की आपने बात की बड़ी खूबसूरत बड़ा अच्छा जगह माशा आपका मुताल बड़ा वसी है तो पहली वही से कबल जब इंसान की तखरीक हुई थी तो तख्तीक के वक़्त जब अल्लाह ने बात हुई तो वो जाके जो भी नहीं हुए थे उन्होंने जाके बात की कि क्या मैं तेरी इबादत की ये काफ़ी नहीं हूँ हु। तो सब अखा की आयात का मफहम है तो अल्लाह ने कहा था कि मैंने इसे अशिया के नाम सिखाए, है। गौर के नाम श्या सिखा श्या सिखाए श्या हैं गौर कीजिएगा अशिया के नाम सिखाए हैं और जो मैं जानता वो तू नहीं जानता अपने एवं की बात की थी इंसान के एव की बात नहीं की थी लेकिन इंसान को अशिया के नाम यानी वर्ड्स अब वो पहला मुकालमा है इंसान की तखलीक के हवाले से और पहली वही क्या है उसमें है वो जो सिखाया है वो कलम के साथ सिखाया है अशिया के नाम सिखाए कैसे सिखाई पहली वही में कर कर आवाज़ तो से वजूद तक का जो सफ़र है वो यहाँ पर वाजा होगा कि इंसान की अजमत का जो आवाज़ है अशिया के नाम जानना है अल्फाज हैं इंसानी अजमत का और वो अल्फाज कैसे हैं कलम के साथ हैं तो ये इंसानी शा का तरक्की का जितना भी सफर है ना वो कलम के सहारे ही मुमकिन हो सका है अगर हम अपनी तारीख में से कलम को निकाल दें तो इंसान शायद इंसान बाकी ना रहे वजूद इंसानी होगा शो इंसानी मुमकिन नहीं है सो इंसान so, की मुख्त सतह पर तरह की हालात रहे तो जो लिखने का अमल है पिक्टोग्राफी भी इसमें था मख्त तरीके से लेकिन जब हम अरबिक खताती की बात करते हैं तो ये कोफ़ा जिसे आज हम कहते हैं वो शहर उसका पुराना नाम है ही था वहां पर खतः डेवलप हुआ था और वो सामी और इब्रानी जो थी इनके इम्तजाज से अरबी का वजूद आया था आज से तकरीबन अठारह सौ साल खबर तो सही। उस खत के लिए, के लिए वो हैरी खत बना के दौर में आप उनकी बात की तो उन्होंने उस खत को डेवलप किया कोफी यानी जो कोफा से वो शहर वो खत बना था तो उसको डेवलप करके आपने आगे तो जो वहीं की किताब थी वो कोफिक में ही उस पर नुकता नहीं था नुकता आपके शागिर थे हजरत अबू अबली उनके आप हजरत के शागे उन्होंने नुाते गए आपकी रहनुमाई से हजरत की रहनमाई से वो जो कुरान पाक का मतन था वही था उस पर नुकात गए फिर तकरीब ढाई सौ साल तक ख़तः खूफ़ी ही मुसलमानों का किताबत का दफ्तरी ज़ुबान का सारा यही ख़तः रहा फिर एक और शख्सियत आती है आबासी दौर में वो इबन मक़ा शेराजी अहमद लिया सही। बहुत बड़े बहुत बड़े खत्तात और इतने बड़े अज़ीम इंसान के जब मैं उनकी शख्सियत पढ़ता हूँ आज भी हयात में डूब जाता हूँ कि वो क्या नुँ, थे इंसान ही थे छः खतजात किए मुख्त के और उनके ख़त की एक खत सुर से जो आज एकफ़े काबा पर भी लिखा जाता है नबी मोहतम सूल की जो मस्ले नबी से वहाँ पर भी उसी खत में काम होता है जब हम उसकी जोमेट्री को स्टडी करते हैं तो उसकी जो एग्जैक्ट वही जोमेट्री है जो कायनात की ज्योमेट्री है यानी कि ये जो वाव अगर लिखा हुआ तो देखेंगे आगे वो पूरा बनता है जो कायनात का फैलाव तो है ये उनका ख़तजाद किया हुआ है फिर नसक है जिसमें कुरान पाक की किताबत होती वो भी उन्हीं का है तो छः खत फिर वो इतने ज़बरदस्त इबन मकदा शिवाजी थे कि वो पॉलिटिशन भी थे नजीब भी रहे थे मैथमेटिशन भी थे और यकीन उनको फिर उनके हाथ काट दिए गए थे जो कुछ हुआ जेल में ही उनका फिर फांसी दे उनका वहीं पर तदफीन हो गई पर उनके फिर शगिर थे इबन उन्होंने बहुत काम किया फिर ख़ते नस्तावीक जिस हम कहते हैं जो हमारा भी ख़त है ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो मीर अली तबहज़ी अहमद उन्होंने वो ईजाद किया अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कुछ हवूफ है वो कैसे लिखे जाए तो रवायत यह है कि हज़रतरी का मिला वजू आपको ख्वाब में आई और बताया कि ये खो ये यूँ खो तो ख़तें जो नस्तारीक है वो इस तरीके से डेवलप हुआ एक और बड़ा खत है दीवानी जिसको दीवान का भी खत कहा जाता है वो तुर्कों ने ईजाद किया है दीवानी खत वो वहाँ का है वो आज तक पाँच एक सौ साल कबल हुआ है तो ये बड़े जो खतूत हैं वो छः वो हैं कोफी के हैं और फिर दीवानी है नस्तारीक है फिर इनके इम्त से खुद कुछ खत ईजादों हुए जैसा कि हम अगर मराको लीबिया और अलजेरिया वगैरह में चले जाएँ तो निजिया में तो मगरबी खत के जाता है वहाँ पर जो कि ख़ते कोफ़िक और नश इनके के से तकरीबन बनता है और इधर हमारी तरफ आज नस्त व तो शिकस्ता बनता है वो भी फिर दीवानी और नस्ताय के इम्तार से बनता है तो ये खतें इनकी जोमेट्री और डिसप्लिन बहुत अहम होता है बहुत ही ज़्यादा अहम होता है हमें ज़रा सा भी एक लाइन दाएँ बाएँ करने की गुंजाइश नहीं होती इतना डिसप्लिन को फॉलो करना होता है और फिर नई चीज़ भी तख्लीक करनी होती है तो इस से बहुत इजाजत का काम है बहुत मेहनत का काम है बहुत तवज्जो के साथ काम करने का काम है तो ये खतूत है मुख्तफ नाम है इनके, और हर खत के अपनी खूबसूरती और यूरोपियन कंट्रीज में, अच्छा में खत के हवाले से एग्जीबिशन का या फिर इस तरह से वर्कशॉप का वहां पर खुद जाना नहीं हुआ मेरा अरब कंट्रीज में वहाँ पे पाकिस्तान

जी जी।, जी जी जो अंदर का जो सफर था ना उसमें खताती ने बड़ी मदद की लोगों क्योंकि ये जमावियात यात्रा बिल्कुल सही है।, है।, है और, और अपने और आप के साथ जो सब टाइम मिला अपने आप को देखने का वैसे पहले मतलब टाइम था ही नहीं उससे पहले हम एक फिक्स रूटीन है हमारी उसी में भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं तो वो जो ड्यूरेशन एक आया था ना सही है वो उस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल का वक्त था लेकिन एक तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी भी थी कि हम अपने घर वालों के साथ फुर्सत से बैठे थे हमने अपने आप को देखा था हमने नहीं। नहीं। अपने आप को समझने की कोशिश की थी तो वो नहीं। नहीं। जो हम में से कुछ लोग थे वो इंस्पायर हो गए आपके बकौल सर जैसे के खताती की आए की उन्होंने उसको मजीद अच्छे से समझने की कोशिश की जैसे फन खताती मैं पाकिस्तान को इसमें बड़ा रिच देखती हूँ क्योंकि हमारे आ, मदीना मुनवरा की खताती भी एक पाकिस्तान जी बिल्कुल हुँ। तो इसकी कोई ख़ास वजह है देखिए खताती जो है मुझे कभी कभी लगता है कि तस्वुफ का एक सिलसिला है ऐसे ही और चूँकि इसका ताल्लुक जो मदीना बाबू है तो आप खतातीन हैं बाबू बाबुलम ही खतातीन है तो तसव्फ़ के बहुत ज्यादा सजा उनसे मिलते हैं तो खताती भी तसव्फ़ का ही एक सिलसिला है और चूंकि तसव्फ पाकिस्तान की सरजमीन में टर्की की सरजमीन में ईरान की सरजमीन में बहुत है तो लोगों में इस वजह से भी खताती का बहुत है माशा अच्छा जौक है तो एक तो मुझे ये वजह समझ आती है कि लोगों के ये है दूसरा जमालियात जो जोक़ जमारियात तो वो भी इन सारे इलाके का बहुत अच्छा है माशा चूँकि हुसन बहुत ज़्यादा है सारे बेल्ट में जितनी भी है ईरान भी उसमें शामिल टर्की भी है और हम पाकिस्तान में तो जब बाहर का हुसन इतना होता है सामने और फितरत का हुसन सामने होता है तो फिर इंसान फ़रत से फ़ातर जो है जो खारक है उसके हसन और अपनी जात के अंदर के हसन को भी दयाफ्त करना चाहता है तो ये भी दूसरी बट बड़ी, बड़ी वजह कि फिर उसकी वजह से यहाँ पर खताती बहुत ज़्यादा हुई और बेहतर हुई और बहुत अच्छी हुई <laughs> और इसमें हमेशा जो रुझान है वो हमारा ईरान का जो खत है या वहाँ का अंदाज़ है उस तरफ ज़्यादा रहा है <laughs> अब जो है टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन जब आसान हुई तो अब हमारा रुझान तुर्की वालों की तरफ ज़्यादा हो गया अब <laughs> उनकी तरफ हम जैसा वहाँ पर जिस अंदाज में काम हो अब हम वहाँ पर उस तरह का, का काम ज्यादा कर रहे हैं। ये बताइएगा साहब कि आ, जैसे कि कि जैसे आपने बताया कोविड के से किया हो कि वो भी सीखना है क्योंकि बहुत से मैंने देखा है कि अंग्रेजों को सूफी कलाम गाते हुए भी आजकल बहुत उनमें एक आर्ट की तरफ वो लोग भी आते हैं तो कोई ऐसे आपकी मतलब मुशाह में लोग आए हैं जिन्होंने आपसे रब्ता किया और ये सीखना चाहो आ, एक नहीं कही उन्होंने रबता किया है बकायदा सीखा है और बहुत अच्छा काम किया है मैं अगर आ, बात करूँ जर्मन इसमें ज़्यादा है हुँ। जर्मन एल एफ कैफ जो है वो बड़े अच्छे स्कॉलर भी हैं उनको अपनी किसी किताब को उर्दू में ट्रांसलेट करवाना था तो फिर उन्होंने उसका टाइटल बनवाना था तो वो फिर उसके ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच गए तो वो फिर उन्होंने जब लिखते देखा उन्होंने कहा कि आई फिर ऐसे ही पिछले दिनों भी जर्मन के एक और इारे के इस्लाबाद में जिम्मेदार हैं उन्होंने गूगल से कहीं मुझे कांटेक्ट किया वो भी, भी पहुंच गया उन्होंने भी आके ऐसे काम किया तो और भी जर्मनी में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस हवाले से स्टूडेंट की बात इस तरह से कि वहाँ तो बाकायदा एक मुझे थीसिस मैंने लिख के भेजा था चूँकि यहाँ के हमारी जो हेरिटेज मिनिस्ट्री है उन्होंने मुझसे रब्ता किया था उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कि उनका वहाँ पे बाकायदा तौर पर लोगों में बच्चों में खसूस जो शिद्दत आई रवैयों में उसको हारमोनी में तब्दील करने के क्या क्या तजावीज़ हो सकती हैं तो उसमें मुख्त तजावीज़ में एक जोग्राफी का भी एग्रीमेंट था तो उस पर वो बाकायदा मैंने थीसिस पे लिखा था जो कि वहाँ पर स्टूडेंट गया यहाँ से हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशर्स की तरफ से लेके गए उनसे बात की और वहाँ पर बच्चों में मुझे खुशी इस बात की कि वो थीस दो हज़ार सत्रह में हमने दिया था और पिछले साल और भी बहुत सारी वजूहत होगी बहुत अनासर होगी उन्होंने अपने बच्चों को हाथ के साथ लिखना लाजमी कार्ड दे दिया गया है यस yes, यस yes, वो लाजमी करार दे दिया है उसमें और भी उनकी काफ़ी तहक़ीक़ात होंगी यकीन है बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें एक हमारा पाकिस्तान की तरफ से भी इनपुट था कि हमने भी अपना भेजा था कि ये कैलियोग्राफी जो ना बच्चों में हारमोनी पैदा कर सकती है पेशेंस पैदा कर सकती है सो थेरेपी के तौर पर सेल्फ डिस्कवरी सेल्फ कनेक्टिविटी और फिर सेल्फ लेसनेस ज़ात पहले सेल्फ डिस्कवरी वो वहाँ पे आप अपने जात को दरियाफ्त करते कि आप हैं क्या वहाँ से जो सफ़र शुरू होता है वो फिर सेल्फ लेसनेस तक जाता कि कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं हो मेरा वजूद सारा इसी मिट्टी के आग हवा पानी का मरक्ब है और जो इसमें इरादा है वो अल्लाह का दिया हुआ है मेरा तो कुछ भी नहीं है तो जब मेरा है ही कुछ नहीं है तो फिर उसके मुताबिक ही क्या बात, हुँण 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 बात बात है बहुत खूबसूरत और ये तो इल्म फ़नून की बातें मेरा ख्याल चलती रहेंगी अब आते हैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल रूटीन की तरफ और जाहिर सी बात है रमज़ान है तो रमज़ान में आपकी क्या रूटीन होती है और आपने कहा कि जैसे आपको खानों से बड़ा लगाव है खाना पकाने में तो कौन सी ऐसी डिश है जो आप बड़े जो है घर वाले फरमाइश करते हैं कि वैसे ये बनाइएगा अच्छा मैं मुझे जो आ, कहते वो मुझे वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या घर में बाज मेहमान आते हैं तो चिकन कढ़ाई इानी हांडी इस तरह की चीज़ें वो बनाता हूँ लेकिन घर में सुबह का नाश्ता बनाना मेरी ज़िम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी शौक से है मेरी मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह ऐसे नाश्ता मुख्तल के सैंडविचेस बनाऊँ मुख्तफ एक्सपैरिमेंट्स करता रहूँ तो ये शौक है और कोशिश ये होती है खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है वो जैसे कहते हैं ना बहुत फूडी किस्म के नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन बट कि जो हमें दो हज़ार बाईस केवी से एनर्जी चाहिए उतनी ही दवानाई का कुछ खा लिया जाए लेकिन मयारी खाया जाए बेहतर खाया जाए और उसकी प्रोसेसिंग अच्छी हुई हो और वो ज़्यादा जिंदा फूड जो है उसकी वजह यह है कि हम जिंदगी में सिर्फ तीन काम ही करते हैं सिर्फ तीन काम है हमारे पास टोटल करने का एक है फूड food. फूड नंबर टू एक्टिविटीज जो हम करते हैं कुछ कोई भी काम नंबर थ्री रेस्ट बस कोई और जिंदगी में चौथा करने का काम नहीं है सो इफ़ यू आर बेटर इन फूड बेहतर है तो यू आर बेटर इन हेल्थ एंड बॉडी आपकी जिसम आपकी सेहत ये ज़्यादा बेहतर होगी और इसी तरह आपकी एक्टिविटीज़ में भी अगर तोजुन है तो आप फिर ठीक होंगे और रेस्ट वो भी अगर आपका ठीक है तो वो भी अगर हम तीनों कामों को तोजुन के साथ और तवज्जो के साथ करना शुरू कर दें जो खाना खाते हैं या जो पानी भी पीते हैं तो फर्स्ट मैं ये कहता हूँ कि उसके साथ मोहब्बत में आ जाए जब आपका अपने खाने के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बनेगा ना तो खाना अपनी ईत और तासीर के साथ आपके अंदर भी मोहब्बत पैदा करेगा वो मोहब्बत की तरह ही ये जाए चाहे पानी भी पिए तो उसमें जो वाइब्स ना कभी नेगेटिविटी की नहीं लेके जाए खाने को देखिए हम बाहर जब जाते हैं किसी जगह से होटल से खाना खाते हैं ना तो होटल से जब खाना खाएंगे तो वो कमर्शियल वाइब्स होती हैं कि पे मोर इट मोर सो घर में अगर खाना वो कोई मेड बना रही है तो एक रोटी खा खाई बच्चे ने दूसरा जब कहेगा रोटी खानी तो उसका मुंह पहले बनेगा नेगेटिव एनर्जी साथ ही खाना खाएगी और वही खाना अगर अम्मा बना के देगी बच्चे ने एक खा लिया तो दूसरा कहेगा तो अम्मा तो अभी उक, मैं अभी और बना के देती हूँ <laughs> शौक से बना हाँ के, हाँ के दे देगी। तो वो तासीर होती है जो हम माओ के हाथ के खाने को हमेशा याद करते ना क्योंकि अम्मी कहा है तो के साथ जो तासीर और मोहब्बत होती है ना खाने की वो ज्यादा इफेक्टिव होती है फिर जब हमारा खाना बेहतर हो जाए मैं समझता हूँ फ़ूड बेहतर तो एक्टिविटीज़ को फिर बैलेंस में लेके आएँ उसको बेहतर कीजिए फिर रेस्ट को अपना बैलेंस में लेके जाइए थोड़ा सोए चाहे लेकिन गहरा सोए और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके बकिया दो काम ठीक है तो आपकी फ़ूड जो है दैट इज़ इनफेक्ट योर फिज़िकल आपकी जो बेटरमेंट उसको बेहतर करती हैं जो आपका काम है वो फिज़िकल यानी इमोशनल को बेहतर करता है और जो आपकी नीड है वो फिजिकल इमोशनल के साथ साथ आपकी साइकोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन उसको बेहतर करती है और खताती जो है वो आपको फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग करती है आपकी बातें माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं और आपने एक समा बांध दिया है कि हमें लगता है कि बस बैठे रहें और आपकी बातें सुनते रहें आप बोलते रहें लेकिन जाहिर है हमें इजाज़त भी लेनी है तो आप अपने नाजरीन को देखने वालों को कोई मैसेज कोई पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली उन वालदे को जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल और लैप टैबलेट के हवाले कर दिया है तो वो कैसे उनकी उनके लिए आगे कोई सेहतमंद जो है ना देखिए मोबाइल या ये डिजिट्स गैजेट्स जितने होते हैं ना ये इंतजार पैदा करते हैं वक्त ज्यादा करते हैं टाइम मशीन था ये जी बस ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड दे आपका स्कैटर्ड मजाज और नफसयात बना रहे हैं हर इंसान के पास कोई जितना मर्ज़ी बड़ा इंसान है ना वो एक दिन के चौदह सौ चालीस मिनट से ही होते हैं अपने पास या आप छियासी हज़ार चार सौ सेकेंड से हर इंसान के पास सो अपने वक़्त को जो महदूद वक़्त हर इंसान के पास है और अपनी को फोकसड कीजिए वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर आपकी ज़िंदगी का नसबू रहना मकसद है और जान लीजिए उन कामों को जो नहीं करने और उनसे अपने आप को हटा लीजिए वहाँ पे अपना वक़्त और नहीं कभी ज़ाया ना करें क्योंकि अगर अपना वक़्त और अपनी तोानाई ज़ाया करते हैं दूसरे मानों में आप अपनी ज़िंदगी का कतल करते हैं बहुत खूबसूरत बात जी नाजरीन हाँ टाइम थी रहा है वन का मोकलानी व ऐं ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं वासिल शाहिद साहबु ॾाढो माना सुठो वसी हिक त हुननि जी स्टडी ॾाढी वसी आहे उहो ई जेको कमु करे रहिया आहिनि हुन कमु जो त को सान ई न आहे बाक़ी हाणे असांजे प्रोग्राम जो ख़तमु थी रहियो आहे त मिलंदासीं अॻिले हफ़्ते तव्हां वीक कंहिं ॿिए महिमान सां कंहिं ॿिए नए टॉपिक सां कंहिं सुठियुनि हेल्दी सिहतमंद कचहरीअनि सां गॾु तेसि ताईं इजाज़त ॾियो जी मैं अपने देखने वालों को और अपने साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको और अपने प्रोड्यूसर साहब को बकायदा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि आज का दिन मुझे लग रहा है बहुत शॉर्ट था इतने सारे सवाल हमारे जहनों में वासिल साहब की बातों की वजह से जाग चुके हैं कि मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि शकील साहब अगर हो सके तो हम एक दफ़ा लाजमी वासिल साहब को एक और दफ़ा अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहेंगे क्योंकि वो जो हम सब के जहनों में सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ़ इवेलेशन के बारे में जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं ना वो हम सुनना चाहते हैं उनसे उनके जवाब और वो जो इतनी खूबसूरत सिर्फ अभी हमने सिर्फ दो सैम्पल्स देखे हैं ऐसे जो आर्ट के एक बड़ी ही कमाल चीज दिख रही है जिसको समझने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए तो उस तरह की दो तीन एग्जाम्पल अगर हम लोग और समझ चुके समझ सकें और एक दो अपने लिए कोई लेसन दे सकें तो आई होप मेरे प्रोड्यूसर साहब इस रिक्वेस्ट को जरूर कंसीडर करेंगे और वासिल साहब भी जरूर कंसीडर करेंगे और टाइम निकालेंगे جی دماغ رانو دغه وو دي نن مو شو اور رومید لرم جی تاسو به هغه نه خوش کړه وی چی چون موج انسپایر کې دلګ یا وو خبر او چا اور دغه دی خطاتی یو جو دونک فله بیک گراوند دی اور هغه کې چرنگ انویشن سوي دی اور چرنگ هغه دونې های لیول پوری راغله دی اور هغه ته چرنگ आ यो अंडरस्टेंडिंग चरंग डेवलप कर भी हुई अखबारे की क्योंकि माता वो लफ्ज ना समझना रज लगे थे ता दगा पूरा शो नंद चरंग समराइज कम और दुआ जुमड़ो की चरंगत हुआ उम्मीद लह ची तासु बा हाई जो प्रोग्राम चुने पूरा तासु वार हाई चे बाद बा हर जुमले बाद ये डिफरेंट मीनिंग बा आखले लगे हुई दई दगा ख़बर और दगा वाड़ो ख़बर सरा ची अकबल कम हाँ दुआओं न कवई ची अवतारी चे अव्वल वाल कवई अज़ान पर टाइम कवई या सहरी टाइम कम टाइम वाड़ो कवैम ज्यादा दुआ कबूल

ٹھیک دی مې حکومتۍ لیول باندې خپل کوشش کول لګیایو مې پرسنل لیول باندې خپل یو کوشش کول لګیایو لیکن جو دوا چ چونې مزر چینج راړلاسو خو شاید شي شي چې راړد او مې خپل الله تعالی ډائریکټ ودې کانټاكت کې راسو چی دونه ہے جو یو دونه انتشار وال کیفیت غوډي پر جوړ دې هغه دی واړه یو نورمال شي تدې راسی دغه سره وزتاسو چې وای اجازه واړم الله پامان जी गुल कम काम इशत मर्ची है मैं मराकिश मराकिशम सबका शक्र गुज़ार हूँ वासिल शाहिद सर है और मदियाई के आए हैं ये प्रोग्राम आ गुमा शामिल बूँ और ये प्रोग्राम चार चांद जतमशी के अर्ची यक जुमला यक गप सर है कि तरव दे तर तस्वुफ़ है तर ख्याल ते ख्याल जनजोड़गा पा ते जो तह जमालियातें आरा इंच का सुरेन न गापा सक्का वशें लफ्जत सक्का वशें गप पुत्रानत गुमें ए महफिलं चूके रमज़ान उती दीम रवी आएँ मरछेंस दुमी रमज़ान आयाँ पखैरा रोग गए अमदमाती नाजरीनगुशी ना के वती ख्याल आप कने वती आमाली ने, गोती नेकियाँ ए मे मेहमान ए माहबो ने उत्तीर घोरे मरदमा उ ख्याल पे क्या वी ख्याल पे कहें मनाओ पीटीवी टीम और मनी टीम आने तलम याद पे कने इजाजत ज़रूरी अल्लाह हाफि <coughs> ਜੀ ਨਾਜ਼ਨ ਐਸੀ ਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੁੱਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪ ਡਾਉਨ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਸੀ ਡੀਪ ਡਾਉਨ ਸਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ سی ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ذات ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਲੈਸ ਤੇ ਆਇਆ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ذات ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨੇ ਔਰ ਇਸ نتیਜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਤੇ ਖੁਦ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ تعالی ਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ नाजीन ए सद का प्रोग्राम और अगले हफ्ते फिर हाज़िर होवे नवे प्रोग्राम तो नवे मेहमान के नाल लेकिन उस तो पेल्ला अं मधिया को ख़ूबसूरत सी नाच सुनाएंगे और ताड़े को अल्लाह फसा हरे पै ब लेकिन मन सब जुदा है हर पैगंबर का उदा बड़ा है लेकिन का मन सब जुदा है

लेकिन आता मन सब जुदा है वो इमां में सफ़े अम्बिया है मेरे होटों पे पेजी और क्या उनकी अजमत बयां हो जिनका मद देत सरा खुद खुदा है और क्या उनकी अजमत बयां हो जिनका मिदहत सरा खुद खुदा है हर पैगंबर का खुदा बड़ा है लेकिन का मन सब जुदा है वो बड़ों में भी सबसे बड़े हैं उनका रुतबा सेवा से सेवा है वो इमाम सफ़े अम्बिया है मेरे हो पे जिन की सना है वो